कृष्ण अश्वत्थामा को अमरता का श्राप देते हैं। इस कहानी का क्या मतलब है और आज यह हमारे लिए किस तरह से सार्थक है? आप में से जो लोग प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं, वो अश्वत्थामा के बारे में बात कर रही हैं। युद्ध के अंत में, एक भीषण युद्ध के बाद, जिसे दोनों पक्ष के लोग खुद के प्रति और इस तरह के युद्ध को जारी रखने वाले हर व्यक्ति के प्रति घृणा से भरे हुए थे। लगभग 1,00,000 लोगों को मारने के बाद भी, वो भी उस समय जब जनसंख्या आज की तुलना में 10% भी नहीं थी, अश्वत्थामा वहां भी नहीं रुका। अपने क्रोध के चलते वो गया और उन बच्चों को भी मार दिया जो सो रहे थे। उसे जो अनुचित लगा उसका बदला लेने के लिए वो गया और सोते हुए सारे बच्चों के गले काट दिए। शायद कुछ गलत था, लेकिन ये थी उसकी करनी। तो कृष्ण ने उसे मृत्यु का श्राप नहीं दिया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूं, तुम्हें इसी अपराध बोध के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तो उसका क्या परिणाम हुआ? मुझे लगता है वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अश्वत्थामा बनकर प्रकट हो रहे हैं, जो स्कूलों में जाकर बच्चों को मार रहे हैं। हाँ, वो यही है, नहीं तो कोई स्कूल में जाकर सबको छोड़कर बच्चों को क्यों मारना चाहेगा? कोई कम से कम बड़ों को चुन सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेहतर होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये स्पष्ट रूप से अश्वत्थामा का मूर्त रूप है, क्योंकि आप किसी चीज से नाराज हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा और आराम आ जाता है, आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे गंदी चीज है जो आपके साथ हो सकती है, कि आप मर नहीं सकते। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप बस इसकी कल्पना कीजिए, आप यहां लाखों साल बाद भी बैठे हैं। मैं जा चुका हूं, हर कोई जा चुका है, लेकिन आप अब भी यहां बैठे हैं। यह सबसे बुरी चीज है ना? आप भी समय पर मरिए। शायद आप मेरे बाद मरना चाहते हैं, मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी एक दिन मरें, ये एक अच्छी चीज है। आप मर ही नहीं सकते, ये बहुत भयानक चीज है ना? तो उन्होंने उसे सबसे भयानक चीज का श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें हमेशा इसी पाप के साथ जीना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि जब कृष्ण बोल रहे हैं, यहां तक कि जब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, तब वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बता रहे हैं, वो खुद को एक गुण के रूप में बता रहे हैं, खुद को एक चेतना के रूप में बता रहे हैं। इसलिए जब वो अश्वत्थामा को भी श्राप देते हैं, तो उनका मतलब इसी चीज से है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा जिंदा रहने वाला है। वो कहते हैं, वो लोग जो इस तरह के कृत्य किसी ऐसी चीज के कारण करते हैं जिससे वो क्रोधित हैं, जिससे वो चिढ़े हुए हैं, आप जाते हैं और जो बच्चे सो रहे हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा कष्ट भोगना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच कई चीजें होती हैं। जब युद्ध होता है तब आप मारते हैं, ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके देख ली कि ऐसा ना हो, पर जब ये हो ही गया तो उन्होंने कहा कि अब लड़ो। ऐसा नहीं कि आप युद्ध के मैदान में जाएं और कहें मैं नहीं लड़ूंगा। या तो आप युद्ध के मैदान में जाएं ही ना, और अगर आप वहां चले गए तो आपको लड़ना ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा, लड़ो। They fought, everybody killed each other, so many people died. और उन्हें एक दूसरे को मारा, कितने लोग मारे गए, महान नायक मार गिराए गए, अच्छे लोग मरे, बुरे लोग मरे, हर तरह के लोगों की मौत हुई। पर जब ये खत्म हो गया तब आप जाकर बच्चों को मार देते हैं। ऐसे आदमी को हमेशा कष्ट भोगते रहना चाहिए, यही श्राप है। क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी करते हैं, क्योंकि आप उस परिस्थिति में फंस गए हैं। ये उस स्थिति के खत्म हो जाने के बाद हुआ था, क्योंकि आप हार गए थे। अगर आप युद्ध जीत गए होते तो आप ऐसा ना करते, पर क्योंकि आप युद्ध हार गए हैं, आप आक्रोश से भरे पड़े हैं, आप जाकर बच्चों को मार देते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपको हमेशा दुख भोगना पड़ेगा। अमरता उस आदमी के लिए नहीं थी, बल्कि उस यातना के लिए थी जो आपके भीतर पैदा होती है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक और जीवन ले सकते हैं, लेकिन आप बेहिसाब मात्रा में यात्रा से गुजरें और ये आपके साथ हमेशा चलती रहनी चाहिए। वो बस यही कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है। यहां कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पेंचों को खोल दें,
तो जरूरी चीजें ढह जाएंगी। यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सब ने युद्ध लड़ा, हमने मारा, हमने कई चीजें की, हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत छल किया, हर तरह की चीजें की, लेकिन अभी भी ये दुनिया इंसानों की है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो पीछे हट जाइए, कोई जीता कोई हारा उससे पीछे हट जाइए, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। नहीं, अब मैं रात में जाऊंगा और बच्चों को मारूंगा। आपके बच्चे जो सो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा भी नहीं दी गई थी, क्योंकि किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आएगा और बच्चों को सोते में मार देगा। नहीं तो उन्होंने सैनिकों का पहरा लगा दिया होता। उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चों को कौन मारेगा, युद्ध तो खत्म हो चुका है। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित और बहुत ज्यादा शक्की हो जाते हैं तो आप ऐसी चीजें करके ही मानेंगे। ऐसा हुआ, एक अमेरिकी व्यक्ति मॉस्को गया। मैं ये जोक सुना सकता हूं ना? एक अमेरिकी व्यक्ति मॉस्को पहुंचा। क्योंकि आप इतनी ज्यादा हॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो आपको लगता है मॉस्को यानी जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे केजीबी वाले आप पर लेफ्ट राइट सेंटर से नजर रखेंगे, हर जगह जासूस खड़े होंगे और आपको घूर रहे होंगे, यू नो, क्योंकि आपकी पूरी मानसिकता हॉलीवुड वाली है। कोई अखबार पढ़ रहा है और उसके ऊपर से आपको देख रहा है। हर चीज शक के दायरे में है। टैक्सी ड्राइवर एक जासूस है, हर बंदा जासूस है। तो ऐसी मानसिकता के साथ वो मॉस्को गया, वहां पहुंचा और हर चीज पर शक करते हुए वो अपने होटल के कमरे में गया। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद यहां कैमरे लगे हों, यू नो। फिर उसने वैसे ही खोलना शुरू किया जैसे आमतौर पर जेम्स बॉन्ड खोलता है। उसने फोन का माइक्रोफोन खोला, हर चीज बाहर निकाल दी, फिर यहाँ वहाँ हर जगह उसने बिजली के बल्बों में देखा, इसे उसे फायर अलार्म को, उसने माइक्रोफोन और सब चीजों के लिए हर चीज छान मारी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा ये जरूर यहीं कहीं होना चाहिए, और फिर वो बेड के नीचे रेंग कर गया। वहां उसे मेटल की एक बड़ी सी प्लेट दिखी, उसमें 8 स्क्रू जड़े थे। वाओ, यही है, मिल गया मुझे। और तब उसने अपना स्विस आर्मी वाला चाकू निकाला। उसने बड़ी मशक्कत के साथ उसके सारे स्क्रू खोले। इसमें थोड़ा समय लगा। उसने सारे स्क्रू खोलकर धातु की प्लेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ ही मिनटों में होटल के सामने बहुत सारा शोरगुल सुनाई देने लगा। एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, ये और वो, पा पा पू पू, ये सब कुछ हो रहा था। वो नीचे देखने के लिए गया, क्या है इतनी सारी कारें, एम्बुलेंस और ये सब क्यों है? तब उसने फोन उठाया और रिसेप्शन को लगाकर पूछा, होटल में हो क्या रहा है, कहीं आग लगी है क्या, यहाँ कुछ हुआ है क्या, कोई बॉम्ब है? उन्होंने कहा, नहीं, चौथे माले पर झूमर टूटकर नीचे गिर गया है, लोग खाना खा रहे थे और ये उन पर आकर गिरा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ खास पेंच हैं जिन्हें छुइए मत, अगर आप उन पेंचों को छुएंगे तो चीजें आप पर गिरेंगी हमेशा के लिए। तो वो अश्वत्थामा को राहत नहीं दे रहे, बल्कि सब लोग जो उनके खिलाफ लड़े, जिन्होंने अपने जीवन में भयानक चीजें की, उन्होंने कहा ठीक है, एक मनुष्य के रूप में आपको गुस्सा आया, आपने घृणा की, कुछ भी किया, चलिए ठीक है, आपके लिए रास्ता है। लेकिन उन्होंने कहा इस आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसे हमेशा ऐसे ही जीना पड़ेगा।